along the x-axis, the velocity v depends on displacement as v equal to 3x square minus 2x. Then what is the acceleration at x equal to 2 meters? ठीक है ना, देन व्हाट इज द एक्सीलरेशन एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर्स. चलो एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने कल वाले क्लास में बनाया था बच्चों, है ना. ठीक है बच्चों, चलो जल्दी जल्दी देखते हैं ना कौन आंसर दे रहा है. दस दस, वेरी गुड वेरी गुड. संगमित्र ने आंसर दे दिया. ओके, 10. नीलेश ने आंसर दे दिया 10. वेरी गुड वेरी गुड. चलो बच्चों बढ़िया है, वेरी गुड. अच्छा देखो, मैंने कल बोला था ना, व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज डीवी अपॉन डीएक्स. यही होता है ना एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना. ठीक है ना बच्चों, यही होता है ना एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. v इक्वल टू a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx. ठीक है ना. सो नाउ v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x, है कि नहीं. व्हेन आई से दैट v इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x, है ना, देन आई कैन से दैट व्हाट इज dv अपॉन dx. डीवी अपॉन डीएक्स कितना होगा, 6x माइनस, है ना. सो इंप्लाइज वी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी डीवी अपॉन डीएक्स. तो वी कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 2x, है ना. और डीवी अपॉन डीएक्स कितना है, दैट इज इक्वल टू 6x माइनस 2, है कि नहीं. एंड दैट इज 6x माइनस 2, ठीक है ना. Then I can say that, okay, implies a equal to 3x square minus 2x, है ना, into 6x minus 2. Very good, Shubhashri, very good. बहुत अच्छा बेटा, ठीक है ना. Implies, so a at x equal to 2 meters is, implies x a equal to, अब x equal to 2 का वैल्यू पुट कर लो, है ना. फिर x इक्वल टू 2 का वैल्यू जो है ना, ये सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए अभी आंसर निकालने के लिए. दैट इंप्लाइज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 3 इनटू 4 12 माइनस 4 8 होल इनटू 12 माइनस 2, बाय. हाँ यस, हेलो, anyone wants to speak? अरे बच्चों लेकिन आंसर तो 80 है. हमें एक्सेलरेशन निकालना था ना,
एक्सीलरेशन इज वी डीवी अपॉन डीएक्स ना। अच्छा तुम लोगों ने क्या सिर्फ डीवी बाई डीएक्स लेकर वैल्यू पुट कर लिया? अरे तब तो गलत हो गया अगर ऐसा किया है तो, है ना। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 8 सेकंड स्क्वायर। चलो कुछ लोगों ने अपना आंसर करेक्ट कर लिया है, वेरी गुड वेरी गुड। अब सारे लोग अपना आंसर करेक्ट कर लेना चाहिए अभी। समझ में आ गया ना गलती कहाँ पे हुआ था? यस सर। ओके है ना। अरे तुम, मैंने जो वेक्टर्स का डीपीपी दिया था बच्चों, तुम लोगों ने वो वेक्टर्स का डीपीपी सॉल्व किया? डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द डीपीपी ऑफ वेक्टर्स? बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू डीपीपी ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। तो मैं तो अभी तुम लोगों को मोशन इन वन डायमेंशन का डीपीपी भेजूंगा, अभी आज भेजूंगा। कल संडे है ना, छुट्टी में बहुत काम करना है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन है ना, दिस इज, देयर इज अ स्टोन व्हिच इज थ्रोन अपवर्ड्स, अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स। एक स्टोन को हमने ऊपर फेंका है ना, अपवर्ड्स विथ स्पीड यू, विथ स्पीड यू अटेन्स मैक्सिमम हाइट एच, अटेन्स मैक्सिमम हाइट एच। अटेन्स मैक्सिमम हाइट एच, ठीक है ना। स्टोन को ऊपर फेंका तो कितना हाइट मैक्सिमम, कितना हाइट अटेन किया उसने एच आफ्टर 1 सेकेंड, है ना। आफ्टर 1 सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, अनदर स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स, अनदर स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स, अनदर स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स है ना, विथ स्पीड 2u अपवर्ड्स है ना, विथ स्पीड 2u। अटेंस मैक्सिमम हाइट, दिस विल अटेन मैक्सिमम हाइट, दिस अटेंस मैक्सिमम हाइट एच, कैपिटल एच है ना। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड कैपिटल एच, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल एच एंड कैपिटल एच। ये स्मॉल एच और कैपिटल एच के बीच में है ना, व्हाट इज द रिलेशन? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन स्मॉल एच एंड कैपिटल एच। क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों? है कि नहीं बच्चों? यस सर। ओके okay. चलो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फटाफट बना लो। मैं तुम लोग को हिंट दे देता हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो है ना, वहां से दो स्टेटमेंट के लिए, दो सेंटेंस के लिए दो इक्वेशन आ जाएगा। फॉर टू डिफरेंट सेंटेंसेस यू विल गेट टू डिफरेंट इक्वेशंस, फॉर सर टू डिफरेंट सेंटेंसेस। कैपिटल एच इज इक्वल टू 2 इनटू स्मॉल। शायद सही है, ऑप्शन में तो है ही है ना, दिस पर्टिकुलर सर रिलेशन इज देयर कैपिटल एच इन। इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल एच। अच्छा तो कोई बोल रही है 2h, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एच, और कोई बोल रही है ना, रोशनी बोली कि है ना 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल एच, ठीक है देखते हैं ना। चलो है ना, दो लोगों ने आंसर दे दिया बच्चों है ना, तो आई एम स्टार्टिंग द डिस्कशन। चलो
चलो बच्चे ना मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। अरे नीलेश आदित्य यहाँ पे तो है ना, ये लोग भी आंसर दे दिए। सो है ना, ये जो पुलिंग हुआ है यहाँ पे ना 4H का वोटिंग थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा तो मान लो कहीं पर भी यू प्रोजेक्ट विथ यू वेलोसिटी और यू प्रोजेक्ट विथ टू यू वेलोसिटी, दोनों केस में जो भी हाइट कवर कर रहा है मैक्सिमम हाइट स्मॉल एच, और इस केस में मान लो मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा है कैपिटल एच, इन दैट केस वेलोसिटी ऊपर में जीरो होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो है, इफ आई यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना, इंप्लाइज फाइनल वेलोसिटी जीरो विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच स्मॉल एच, है ना, इंप्लाइज स्मॉल एच कितना होगा, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय टू जी। सिमिलरली कैपिटल एच क्या होगा, मैक्सिमम हाइट दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर बाय टू जी, है ना, सो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर बाय टू जी। अच्छा यू स्क्वायर बाय टू जी जो है स्मॉल एच है, कैपिटल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर बाय टू जी, दैट इंप्लाइज कैपिटल एच इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल एच, सो दैट इंप्लाइज कैपिटल एच इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉल एच। हो गया ना बच्चों, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया क्या? ओके वेरी गुड वेरी गुड। आदित्य भी आंसर बना लिया फाइनली। सो विल मूव टू, बिफोर मूविंग इनटू ग्राफ्स विल मूव टू वन फाइनल प्रॉब्लम ऑफ दिस मोशन इन वन डायमेंशन इक्वेशन। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन का एक फाइनल क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रहा था कि फाइनल क्वेश्चन और एक बनाएंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन गोज लाइक दिस। क्वेश्चन ये है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, नहीं, बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ए बॉडी ट्रेवल्स ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर्स इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो एक बॉडी जो है पहले 2 सेकेंड में है ना 200 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है, एंड 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 220 सेंटीमीटर्स एंड 220 सेंटीमीटर्स इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स विथ नेक्स्ट 4 सेकेंड्स विथ, है ना, अच्छा इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। ठीक है ना, अब विथ नहीं बताते हैं। ठीक है ना, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द 7th सेकेंड इज, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड्स इज, ये फाइंड आउट करना है। इसका मैं हिंट दे देता हूं तुम लोगों को, है ना, क्वेश्चन पहले समझ लो। एक बॉडी जो है पहले 2 सेकेंड में 200 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है, ठीक है ना, और फिर नेक्स्ट 4 सेकेंड में 220 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है, राइट। सो 7 सेकेंड के एंड में, एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड्स व्हाट शुड बी, एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड्स व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड्स व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। 7 सेकेंड में अंत में, 7 सेकेंड के अंत में
बॉडी का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए बच्चों हिंट मैं ये दे रहा हूं ना कि ट्राई टू यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ट्राई टू यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एवरी टाइम, है ना। तो मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन 2 बार यूज कर लो यहाँ पे, है ना। 200 सेंटीमीटर और 2 सेकेंड के लिए एक बार, है ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, है ना। 220 सेंटीमीटर और 4 सेकेंड के लिए भी, है ना, वो यूज कर लो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। द पॉइंट इज दैट, है ना, लेट द बॉडी बी यू। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड एक्सीलरेशन बी यू एंड ए रेस्पेक्टिवली। तो मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सीलरेशन a है। मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सीलरेशन a है ना। सो बेसिकली s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। बेसिकली s का वैल्यू कितना होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। नाउ आई कैन से दैट इंप्लाइज ये जो फाइनल ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन द फर्स्ट केस 200 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज यू, टाइम टेकन इज 2 सेकेंड्स फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस हाफ इनटू ए इनटू टाइम टेकन अगेन 2 स्क्वायर। सो दैट इंप्लाइज 200 इक्वल टू 2u प्लस 2a, दैट इंप्लाइज 100 इक्वल टू यू प्लस ए, ठीक है ना। ओके तो नेक्स्ट इज 220 सेंटीमीटर इन द 4 सेकेंड्स, ठीक है ना। सो 220 सेंटीमीटर इन द 4 सेकेंड्स मतलब 220 इज इक्वल टू, है ना, यू इंटू 4 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 4 स्क्वायर। फोर प्लस 8a, है ना। इंप्लाइज आई कैन से दैट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने फिर यूज किया कहां पे, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए। तो यहां से मुझे मिला 220। अच्छा 220 के जगह कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल आउट करने से मुझे मिलेगा इंप्लाइज 110 इज इक्वल टू 2u। अच्छा प्लस 4a है ना। अच्छा ऐसे ही रखते हैं, बिकॉज ऐसे रखने से क्या होगा ना, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी हो जाता है। इफ आई कीप इट, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं ना। आई कैन टेक इट एज 55 इज इक्वल टू यू प्लस 2a, ठीक है ना। तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, यू प्लस ए इज इक्वल टू 110, सॉरी 100, वेरी गुड वेरी गुड। किसने मुझे आंसर दिया, थोड़ा नाम देख लेते हैं। नीलेश, वेरी गुड, नीलेश इज वेरी फास्ट, नीलेश बहुत जल्दी पिकअप लेता है, ठीक है ना। सो यस ये 100 है, यू प्लस ए इज इक्वल 100 और यू प्लस 2a इज इक्वल टू 55, है ना। तो माइनस कर लेंगे तो आई कैन गेट ए माइनस 2a दैट इज इक्वल टू माइनस ए विच इज इक्वल टू 45, है ना। इंप्लाइज एक्सीलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू -45 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, है ना। तो बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, है ना। ये हो गया एक्सीलरेशन का वैल्यू, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन एक्चुअली इज अ नेगेटिव वैल्यू ही है। एक्सीलरेशन का वैल्यू जो है यहाँ पे, है ना, दैट इज नेगेटिव। ये समझ में आ गया, तक समझ में आ गया।
अच्छा तुम वेलोसिटी का बोल रहे हो ना एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड्स, यस सर, आदित्य है कि नहीं? यस सर, ओके अच्छा, यहां तक चेक कर लिया कि नहीं, जो मैंने बनाया वो चेक कर लिया? यस सर, ओके वेरी गुड बेटा। तो बेसिकली अगर हम इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करें, इफ यू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी हियर, है ना, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू u प्लस a, इम्प्लाइज 100 इक्वल टू u माइनस 45, इम्प्लाइज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 145 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इज नाउ 145 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, है ना? तो दिस इज बेसिकली द इनिशियल वेलोसिटी। सो यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड्स। सो बेसिकली वी हैव टू नाउ फाइंड आउट वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड्स, है ना? तो अभी नाउ यू कैन पुट v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला फॉर्मूला, you can put now v is equal to u plus 80 formula, theek hai na? So when I put v is equal to u plus 80 formula, theek hai na, just put v equal to u plus 80 formula, implies v is equal to initial velocity is 145, acceleration is equal to minus 45 into time taken, time taken is 7 सेकेंड्स, है ना? इंप्लाइज फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 145 माइनस, अच्छा 45 इनटू 7, उसका वैल्यू कितना होगा? 45 इनटू 7, 45 इनटू 5 जो होता है 225 होता है, उसमें 90 जोड़ दो, है ना, 315 इंप्लाइज टू माइनस 170 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेरी गुड आदित्य, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस 170 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है, दिस मींस दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज बीन रिवर्स्ड। इट मींस दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज बीन रिवर्स्ड, है ना? नेगेटिव साइन इन वेलोसिटी, नेगेटिव साइन इन वेलोसिटी मींस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, motion of the object has been reversed, ठीक है ना? means direction of motion of, sorry, direction motion of object has been reversed, है ना? acceleration में negative sign का मतलब क्या है? negative sign in acceleration means नेगेटिव साइन इन एक्सीलरेशन मींस द ऑब्जेक्ट इज अंडर रिटार्डेशन। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज अंडर अंडर रिटार्डेशन, ठीक है ना बच्चों? ऑब्जेक्ट इज अंडर रिटार्डेशन, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन में है। क्लियर? इज दिस क्लियर? सारे बच्चे क्लियर हो गए ना? बच्चों सबको समझ में आ गया? यस सर। ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर, एवरीवन अंडरस्टूड दिस, है ना? नेक्स्ट वी विल मूव ग्राफिकल अप्रोच, है ना, ग्राफ, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ है ना इन वन डी मोशन, ठीक है ना? ओके, तो ग्राफ को ना मैं बड़े शॉर्ट में बता दूंगा अभी तुम लोगों को, है ना, बिकॉज इट्स अ क्रैश कोर्स, सो आई टेल यू इन क्रैश,
ठीक है ना, तो मैं क्रैश मेथड से बता दूंगा फटाफट। ठीक है ना, सो नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ना इन मोशन इन 1D। ग्राफ्स इन मोशन इन 1D, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना हम लोग लेट अस फर्स्ट स्टडी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या है, चलो पहले बढ़िया सा ग्राफ बनाते हैं। वाई एक्सिस आई टेक फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस आई टेक फॉर टाइम, टाइम इन सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स। ठीक है, तो एक ग्राफ बनाते हैं बढ़िया सा, ये हुआ ग्राफ, ठीक है ना। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट, हाउ डू वी फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना बेसिकली इज रिप्रेजेंटेड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफ में ना, एक्चुअली हम उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है v, v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। सो बेसिकली v क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। है ना, ठीक है ना। सो बेसिकली एक ग्राफ में उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ डू यू फाइंड इट आउट इन द ग्राफ, व्हाट विल डू इज विल ड्रॉ अ टेंजेंट। बेसिकली व्हाट वी डू इज विल ड्रॉ टेंजेंट टू पॉइंट पी इन द ग्राफ, है ना। हमको ग्राफ के पॉइंट पी में एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो वेरी केयरफुली ठीक है ना, वेरी केयरफुली वी हैव टू ड्रॉ अ टैंजेंट ठीक है ना एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी में बेसिकली हमें एक टैंजेंट ड्रॉ करना है। लेट्स से वो जो टैंजेंट है थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है ना, सो दिस इज टैंजेंट 2p, let's say it is subtending angle theta at x axis, है ना। So what is tan theta? Tan theta is equal to, है ना? Tan theta is equal to velocity of point p, which is equal to ds by dt, है ना? तो actually tan theta क्या होता है? Slope. So slope is equal to tan theta, ठीक है ना? तो I can say that स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। सो इन अ ग्राफ, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ है ना, स्लोप of the graph at an arbitrary point represents
instantaneous velocity. है ना, तो स्लोप रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. समझ में आ रहा है बच्चों, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है ना कि स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है ना? तो अगर स्लोप रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर स्लोप रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना, तो स्लोप अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस वेरिएबल स्लोप मींस वेरिएबल वेलोसिटी and constant slope, and constant slope means constant velocity. तो variable slope क्या दिखाता है? Variable velocity दिखाता है ना, कहाँ पे? Displacement time graph में. Constant slope है ना, constant velocity दिखाता है, ठीक है ना, displacement time graph में. इतना समझ में आ गया बच्चों? बच्चों इतना समझ में आ गया? ओके, यस सर. आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल राइट? ओके, तो चलो ना, गिव यू सम मोर एग्जांपल्स, है ना, थोड़ा इसको अच्छे से समझने के लिए ना कुछ एग्जांपल्स. लेट अस गो टू सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, ठीक है ना? तो हमारा बढ़िया अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और एग्जाम्पल से बनेगा, है ना? तो है ना, और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का और इन जनरल कोई भी ग्राफ का वो बने, वो बना रहे एक्चुअली, है ना? टाइम एक्स एक्सिस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वाई एक्सिस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है ना? ठीक है, तो बेसिकली ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल वेलोसिटी. ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट वेलोसिटी, ये फिर रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल वेलोसिटी. इज इट क्लियर? है ना? नाउ वी विल मूव टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ. Now we will move to velocity time graph. अभी जो है ना, अभी हमको पढ़ना है velocity time graph. ठीक है बच्चों, let's now study velocity time graph. ठीक है, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है बच्चों, तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उससे हमको मिलता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन.
Similarly, slope of velocity time graph will give instantaneous acceleration. ये वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, दिस इज टाइम विच इज इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, ठीक है ना बच्चों। तो बेसिकली अगर मैं ऐसा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहा हूं और मुझे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे पॉइंट P, वहां पे मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। बेसिकली उस पॉइंट में एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे एक टेंजेंट, आई शुड बेसिकली ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो वो जो टेंजेंट है अगर थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, सो आई कैन से दैट एक्सीलरेशन एट पॉइंट पी, है ना, एक्सीलरेशन एट पॉइंट पी इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी दैट इज इक्वल टू टैन थीटा दैट इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है ना। तो आई कैन अगेन से दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बच्चों समझ में आ रहा है ना सबको, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, है ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। हमें क्लियर डियर स्टूडेंट्स, हमें क्लियर? यस सर, यस सर, ठीक है ना। ओके, नाउ सिमिलरली, है ना डियर स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया बच्चों, सब नोट कर रहे हो फटाफट, है ना। सिमिलरली सिमिलरली ये टाइम है सेकेंड्स में, ये वेलोसिटी है मीटर्स पर सेकेंड में, और अगर हमने कुछ एक ग्राफ ऐसे बनाया, ये मान लो ये मेरा ग्राफ है ना, देन बेसिकली क्या होता है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी इम्प्लाइज डी, है ना, सॉरी एक्सेलरेशन इज इक्वल डीवी बाय डीटी, एंड एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, है ना, या फिर है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू, है ना, instantaneous velocity is equal to ds upon dt implies small displacement is equal to v dt implies net displacement ds is equal to v dt integration, hai na, so net displacement jo hai that is equal to v dt integration, theek hai na। integration ka matlab kya hai, इंटीग्रेशन वी डी टी मीन्स एरिया अंडर, सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सो इफ आई कंसिडर, अगर हम है ना एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कंसिडर करेंगे, अगर ठीक है ना बच्चों, अगर हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया कंसिडर किया यहाँ पे, इफ आई कंसिडर दिस एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सो एरिया है ना इज इक्वल टू इस पार्ट का जो एरिया है that is equal to vdt integration that is equal to net displacement। तो ग्राफ से displacement कैसे निकाले, velocity time graph से, है ना, area under velocity time graph is displacement, ठीक है ना। similarly another conclusion says that area under है ना velocity time graph is numerically equal to net displacement, is numerically equal to displacement,
है ना। सो दिस वाज दिस, तो ये था हमारा ग्राफ का ना बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड था। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर अस, है ना। अब ये एरिया के ऊपर मैं और थोड़ा इंफॉर्मेशन तुम लोगों को दे दूंगा बच्चों। इज दिस क्लियर बच्चों, ये क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर बच्चों ये क्लियर है, लेट मी नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग। तो ये आ गया हमारा नया व्हाइट बोर्ड, इसका कैनवास को हम लोग क्लियर कर लेते हैं अभी, ताकि हमारे लिए अभी जगह बन गया, हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि और एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मान लो वेलोसिटी टाइम कि मान लो हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है। इफ वी हैव टू फाइंड आउट नेट डिस्प्लेसमेंट, इफ वी हैव टू फाइंड आउट नेट डिस्प्लेसमेंट ठीक है ना, अगर मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी व्हिच इज इन मीटर पर सेकेंड, टाइम व्हिच इज इन सेकेंड्स, टाइम व्हिच इज इन सेकेंड्स, ठीक है ना। तो बच्चों बेसिकली अगर हमको है ना, ये मान लो ये कुछ टाइम है, वट एवर है ना, मान लो इसका ये पार्ट का जो एरिया है, अब मान लो ये पार्ट का जो एरिया है ठीक है ना, मान लो ये पार्ट का जो एरिया है हमारे पास, लेट्स से दैट है ना, और ये पार्ट का जो एरिया है, ये पार्ट का जो एरिया है बच्चों, मान लो कि इसका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ए टू, ठीक है ना। तो मान लो ये टाइम है टी, कैपिटल टी है ना। सो आई कैन से दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड टिल टाइम टी, तो हम ये बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड टिल टाइम टी, टोटल कवर्ड टिल टाइम टी, टाइम टी तक टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, ठीक है ना। सो टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है, जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, है ना। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एरिया को माइनस लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट के लिए क्यों नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों देखो है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए इसलिए नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि बच्चों देखो है ना, इस पार्ट में वेलोसिटी नेगेटिव हो चुका है। मान लो ये कुछ टाइम है ना टी डैश है, टी डैश के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे पीछे आ रहा है ना। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज किया, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज करके जीरो हो रहा है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है,
यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, जीरो एट टी इक्वल टू टी डैश, टी डैश टाइम में वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, जीरो। इसके बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वापस आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब वापस आ रहा है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मान लो अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से आगे गया, आगे गया, यहाँ पे उसके पास कुछ है ना, लेकिन एक्सीलरेशन जो है उसका पीछे लग रहा है, और रिटार्डेशन होने के बाद यहाँ पे पॉइंट बी में उसका वेलोसिटी हो गया जीरो। तो पॉइंट बी में हो गया वेलोसिटी जीरो, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है, ऑब्जेक्ट वापस आया, तो मान लो पॉइंट सी तक पहुंच गया, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जब वापस आ रहा है यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो वेलोसिटी होगा पॉजिटिव, जब ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा है तो वेलोसिटी होगा नेगेटिव। आया ना समझ में, ठीक है ना। तो इस केस में डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, इस केस में डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, इस केस में डिस्टेंस कवर्ड होगा दैट इज इक्वल टू ए बी। व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, है ना। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी माइनस बी सी, क्योंकि वापस आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द नेट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट यहाँ पे सी है ना, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट जो है वो सी है, ठीक है ना। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी, डिस्टेंस कवर्ड इज ए बी प्लस बी सी प्लस, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए बी माइनस बी सी। आई एम ऑडिबल स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यस सर। तो दैट इज, बच्चों आई एम ऑडिबल, यस सर, यस सर, यस स्टूडेंट्स आई एम ऑडिबल, यस यस सर, यस सर। तो बच्चों इसलिए क्या हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि ये वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो रहा है टी डैश में, एट टाइम टी इक्वल टू टी डैश वेलोसिटी बिकम जीरो, ठीक है ना। एंड आफ्टर टाइम टी इक्वल टू टी डैश वेलोसिटी इज नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है, वो एक पॉइंट बी और वहां से फिर वापस आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है, ये जो ना मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जो पार्ट है, यहाँ पे वेलोसिटी कंप्लीटली नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रिवर्स पाथ में है, मतलब वो वापस आ रहा है, उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए वो जो एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया है, टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया है, वो उसको नेगेटिव लेना है ना। सो बेसिकली इन टाइम ग्राफ है ना, एरिया बिलो द टाइम एक्सिस, एरिया ऑफ द टाइम एक्सिस इज टेकन टू बी, एरिया बिलो द टाइम एक्सिस इज टेकन टू बी और इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव, एरिया बिलो द टाइम एक्सिस इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। एरिया बिलो द टाइम एक्सिस इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है ना, टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया है वो नेगेटिव एरिया है, है ना। टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया है दैट इज नेगेटिव एरिया, इट इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसलिए नेट इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए नेट डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट माइनस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, ए वन माइनस ए टू, लेकिन डिस्टेंस का वर्ड में दोनों को ऐड करना पड़ता है, ए वन प्लस ए टू, ठीक है ना बच्चों। इज दिस क्लियर है कि नहीं बच्चों, इतना समझ में आएगा ना। यस डियर स्टूडेंट्स, अरे कोई रिप्लाई तो दे दो, है ना, हम पढ़ाते हैं तुम लोगों के रिप्लाई के लिए, हम तरस जाते हैं कि तुम लोग रिप्लाई करो, ठीक है ना। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।
चलो आज का क्लास यहाँ पे खत्म है ना. सो क्लास इज ओवर नाउ. इन नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स. हाँ